रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC की परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन अब भी उग्र है। बुधवार को भी छात्रों ने कई जगह पर बवाल काटा और कई रेलगाड़ियों में आग लगा दी। NTPC रिजल्ट को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मामले में कोचिंग संचालक खान सर पर पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो के सामने छात्रों के बयान पर GRP और RPF में FIR दर्ज किया गया है। मंगलवार को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामा करने के आरोप में हिरासत में लिए गए छात्र किशन कुमार, विक्रम कुमार और रोहित कुमार के बयान पर यह केस दर्ज किया गया है। खान सर के अलावा SK झा, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी के विरुद्ध IPC की धारा 147, 148, 149, 151, 152, 186, 187, 188, 330, 332, 353, 504, 506 और 120B के तहत केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग शहरों और जिलों में पिछले 3 दिन से RRB NTPC रिजल्ट को लेकर बवाल छिड़ा है। छात्र रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़कों पर हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सबसे ज्यादा नुकसान रेल सेवा को पहुंचाया है। इसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई का परिचालक रूट बदल दिया गया है। अब इस मामले में छात्रों को भड़काने के आरोप में खान सर के खिलाफ बुधवार को FIR दर्ज किया गया है। पटना के पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने हिरासत में लिए गए छात्रों के बयान के आधार पर खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनके खिलाफ हिंसा भड़काने और साजिश करने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।